presenting Miss Universe, Bollywood actress, feminist, Miss Sushmita Sen. Shashi Ranjan to please join Sushmita Sen on stage. Mr. Shashi Ranjan. Want no more fear. A huge round of applause for Mr. Shashi Ranjan, convener of the Indian Television Academy. Good evening, ladies and gentlemen. आज की शाम मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप इस खास शाम में हमारे साथ शामिल हुए. मैं इसे फैंटास्टिक शाम तो नहीं कह सकता. ये शाम इसलिए हुई है कि हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से जो दुखद घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम सब लोगों को कुछ मिल के करना है. इसीलिए आज इस शाम को समाज के हर क्षेत्र हर वर्ग से लोग हमारे साथ जुड़े और आपके सामने यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हम सब मिलके समाज की इस बुराई का इस कुरूति का कुछ इलाज कर सकें. मैं बधाई देना चाहता हूँ बेटी की श्रीमती अनुरंजन को, नीता लुला को, वर्णा डिजानी को, जिन्होंने इमीडिएटली इस शाम का आयोजन किया. उसके साथ साथ जितने भी लोग इंक्लूडिंग सुष्मिता सेन जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपना वक्त निकाल के वो आप लोगों के सामने आए हैं. दोस्तों ये शाम जो है ये फूड फॉर थॉट है हम सब लोगों के लिए. जैसा मिसेस तिजोरी ने बहुत दिल से आप लोगों से एक दरख्वास्त की मैं उन्हीं बातों को कहना चाहूँगा कि ये जो समस्या ये जो प्रॉब्लम है ये थ्री प्रॉन्ग्ड है. जहाँ ज़रूरत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ की, एक सेंसिटिव पुलिसिंग की और समाज में एक जागृति लाने की, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल और ज़रूरी काम है कि हमें पुरुष मानसिकता को बदलना होगा. हमारे देश में चाहे वो राजनेता रहा हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु, पुलिस कमिश्नर या कोई आम आदमी, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पिछले कई हफ्तों में सुनी हैं वो शर्मनाक हैं. और वो शर्मनाक इसलिए हैं कि हमारे समाज में बच्चे के पैदा होते ही ये एहसास दिलाया जाता है कि बेटा बेटी से बढ़कर है. आप यकीन मानेंगे कि आपके पैदा हो लड़के के पैदा होते ही बाप की ये चिंता होती कि मेरा नाम आगे कैसे लेके जाएगा. आप मर जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं कौन आगे लेके जाएगा कौन पीछे लेके जाएगा. लेकिन ये मानसिकता है हमारी, बेटा मेरा नाम आगे लेके जाएगा, मेरा नाम मेरे मरने के बाद तक लेके जाएगा. किस तरह की मानसिकता है ये सिकनेस जो है हमारे समाज में. लड़के को दूध दिया जाता है, घी खिलाया जाता है, लड़की को अगर चाय भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. और ये हमारे सबके परिवारों में है, हमारे आसपास में, शायद हमारे एक किसी के ना हो लेकिन आसपास के घरों में, दोस्तों के यहाँ, हर जगह आपको ये दिखाई देगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस शाम से हम कम से कम ये सबक तो लेकर जाएं कि अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, उनके घरों में कुछ बदलाव ला सकें. तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, जहाँ सरकार का काम है, जहाँ कानून का काम है,
उसके लिए तो हमें संघर्ष करना ही है, लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में है जिसे हम बदल सकते हैं वो ये कि पुरुष मानसिकता आज से ही अपने अपने घर में हम सब को बदलना होगा। चाहे वो आपका बाप है, भाई है, बेटा है, जो भी है, आप उस मानसिकता को बदलिए। इन शब्दों के साथ मैं जहां आपसे ये बात कर रहा हूं, इस समय, इस पल, इस घड़ी में, इस देश में, कहीं किसी कोने में दर्जनों बलात्कार इस वक्त हो रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां इस टाइम मोलेस्ट हो रही हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। हर 10 मिनट के अंदर इस देश के अंदर दर्जनों रेप होते हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, कहीं किसी बस में, कहीं किसी झाड़ी के पीछे, कहीं किसी घर में किसी का बलात्कार हो रहा है या किसी को मोलेस्ट किया जा रहा है, सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्लेज दैट हम इस शाम को सिर्फ यहाँ एक इंजॉयमेंट समझ के अपने घर वापस न जाएं, अपने साथ एक फूड फॉर थॉट लेके जाएं, कुछ समाज को, कुछ अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करें। आज हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस रेप जैसी घृणित चीज से गुजर चुके हैं। मैं उन्हें आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। ये 3 बच्चियां हैं जो अपनी माओं के साथ आई हैं। सबीना खान, मैं दरख्वास्त करूंगा आप आएं। जन्नत शेख, माजिदा खान, मैं सुष्मिता से और नीता लुला से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि क्या ये सही लगेगा कि हम इन्हें मंच पर बुलाएं, कहीं शर्म की बात तो नहीं है। मैंने कहा शर्म उन दरिंदों को आनी चाहिए जिन्होंने इनके साथ ये काम किया, ये घृणित काम किया, इन लड़कियों को नहीं। दे आर नॉट द विक्टिम्स। लेट्स गिव दम अ बिग हैंड फॉर देयर ब्रेव थिंग दैट दे हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू। आप उनसे एक बार कहेंगे खड़े हो जाएं, एक बार जो बच्चियां साथ में हैं एक बार यहां खड़ी हो जाएं, एक बार आप यहां आ जाएं, सब आपको लेडीज एंड जेंटलमैन डू नॉट फील बैड फॉर देम, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये फाइटर है, ये विक्टिम नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी लड़ाई अभी से लड़ना सीखा है। शुक्रिया दोस्तों। बेटी के प्लेटफॉर्म से हम इनके परिवारों के लिए जो भी सहायता हो सकेगी हम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन की हो, मेडिसिन की हो या सोशली। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस जो भी राशि आप समझें प्लीज़ इस कार्य में हमारे को दें, ये सब ऐसी फैमिलीज को जाएगा। मैं चूँकि बहुत ज़रूरी है और सुष्मिता ने जैसे कहा कि हमें इन्हें शर्म की निगाह से नहीं बल्कि गर्व से देखना चाहिए, मैं जानना चाहूँगा इनकी अम्मा से कि यह हादसा कैसे हुआ। आप रोइए नहीं, ये हम सब लोग आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आई और आप हमसे बात कर रही हैं, क्योंकि आपके ये कहने से हम सब के अंदर वो एक सच्चाई जागती है जो किसी के और कहने से नहीं होती। बहुत बहुत ताकत चाहिए होती है एक इंसान में यहाँ तक आने के लिए और अपनी बच्ची को यहाँ तक लाने के लिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी शर्मनाक बात है, और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी बात पे शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को वो बाप जो अपनी बेटी को संभाले, वो बाप है, जो अपने भाई जो अपनी बहन की रक्षा करे वो भाई। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इन पे भरोसा करो, क्योंकि ये अपने हैं।
और वो सिर्फ माता पिता और भाई नहीं होते, देश में हर इंसान अपना है। जब वो इंसान खड़े होकर दूसरे की मदद नहीं करता, उसमें आपकी शर्म क्यों? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपको। मुझे बहुत तकलीफ है, हम सबको बहुत तकलीफ है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपके यहाँ आने से बहुत बच्चियों की जिंदगी बच जाएगी और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट ट्रबल्ड अस ट्रेमेंडसली दिस टाइम वॉज दैट It's true that it's happening every 10 minutes. It's true that it's happening in India all the time, and then we are aware of it or not aware of it. But think about what's happened to us. If it takes a gang rape to shake up our conscience, if it takes something as brutal as what happened for us to wake up, and we're not bad people, ladies and gentlemen, we're not trying to point fingers, but we are trying to say कि जहाँ जिसका काम है वो करे, डेफिनेटली, लेकिन हमारी आँखों के सामने होता है, ये हमारे नेबरहुड में होता है, हमारे शहर में होता है, और कहीं तो भी हमारी ये समझ हो गई है कि दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लॉ से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जिसकी प्रॉब्लम है वो देख ले। मैं आपको कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को, एंड आई टेल यू दिस From the core of my heart, रिश्ता मानने से रिश्ता होता है। खून के रिश्ते को नहीं मानो तो वो भी रिश्ता नहीं है ना? So ladies and gentlemen, let's be a little aware of the fact that it's not happening to somebody else, and it's okay. All of us don't have to stand and protest and scream, but all of us have to be aware that this is not okay. This is not okay, no matter who it is happening to. I am a woman and I tell you today, मेरा जी करता है कि लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, because that's anger, but that's not justice. ऐसे लोगों के लिए ऐसी पनिशमेंट, ऐसी भयंकर पनिशमेंट होनी चाहिए कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं सोचने से पहले, करना तो दूर की बात है, and that we can make happen. We can make that happen. Do you know it's ironical that if you and I were to have a conversation and say ki ye agar meri bachchi ke sath hua hota, do you know, just to even say that you feel scared ki nahi nahi ye theek nahi, it doesn't sound right. That's how personally damaging it is for life. And I tell you, for as much as love as I have for a human being, agar ek aadmi aadmi nahi banta hai to uski jaati nahi. He is not a man. And tonight, ladies and gentlemen, I agree with Mr. Ranjan. Let's go back knowing that bete hamare ghar mein bhi hain. Let's teach them what it is to respect a womb. Let's start at home. Let's go to the right schools. Let's educate people. God knows we are all trying in our own little ways to doing it. Thank you, Neeta. Thank you, Mr. Shashi Ranjan. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि इस मंच पर आए आप। आपने बड़ा हौसला दिया है हम सबको, एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, आप कितने सुंदर हो। शी इज गॉट द प्रीटीएस्ट स्माइल एवर। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वेरी गुड पीपल, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, आई हर्ड लॉट ऑफ यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड विद मनी, विद योर टाइम, विद ऑल ऑफ इट। आई लव यू रियली, एंड आई एम जस्ट प्रिविलेज्ड to be in the company of people, including you media, who have this time done the right thing. I'm very proud of you. Thank you, Hushmita. Dosto, hamare saath har work ke log jude hain. Kuch hospital ke doctors, jaise Dr. Ashok Gupta, unhone humse vaada kiya hai, aur bhi kai doctors hain, ki acid victim, unke ilaaj ke liye, wo hamari puri madad karenge, और जितनी कोशिश हो सकेगी उनका सस्ते सस्ता इलाज करेंगे। हमने एक एसिड विक्टिम सोनाली मुखर्जी के लिए ऑलरेडी काम शुरू करवा दिया है, ऐसे ही दो और विक्टिम्स के लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता चाहूँ सब डॉक्टर्स का जो आगे बढ़कर इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं।
Ladies and gentlemen, before we wrap up this evening, I would request all my beautiful friends who walked in front of you to please come on the stage. Please welcome them with big hands. Thank you, Gulshan. Thank you, Neeta. Thank you, Varuna. Anu, can you please come on the stage, please? Anu Ranjan. I would request Zina ji to please come on the stage. Thank you, everybody. Thank you, Rohit. Aap please idhar. Thank you, ladies and gentlemen. Please join us. Oh, sorry, would like to say something? I'd like to thank each one of you on stage today for making this happen at one phone call. That's about it. Thank you very much for being a part of No More Fear. Thank you. Thank you very much, and guys, please have dinner before you all go home. Thank you. Thank you, 919 Global and Third Rock, Azam Men, LR Active, Achala Sachdevan team, Nandita Bhardwaj and team, Nirvana Music and Productions, DJ Tino and Megha for the No More Fear song. Nisa Global for providing security. Damini, Chuhi, Sejal and Renu from Arts in Motion. Rajesh Gupta for AVN Photography. And our makeup team. Thank you everybody, and to all the celebrities who have walked the ramp for us today. A huge round of applause.